हेलो व्यूवर्स, वेदांत एकेडमी के इस वीडियो में मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का थर्ड लेक्चर, डायमेंशंस ऑफ मोशन। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ मोशन देखा था, इस बार हम डायमेंशंस देखेंगे। एक मोशन के कितने डायमेंशंस हो सकते हैं, तो डायमेंशंस को समझने के पहले हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो यह देख सकते हैं आप, कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट के एक्सेस होते हैं, तीन एक्सीज यहाँ पर बनाए हुई हैं। एक वाई एक्सेस है, एक जेड एक्सेस है और एक एक्स एक्सेस है। ये जो एक्स एक्सेस है ये हॉरिजॉन्टल है, जेड एक्सेस जो है ये ऐसे में होता है, ऐसे में एक्स एक्सिस लीनियर होता है और वाई एक्सिस ऐसे वर्टिकल होता है। एक्स एक्सिस ऐसे होता है, वाई एक्सिस ऐसे होता है और जेड एक्सिस ऐसे होता है। तो तीन अलग अलग एक्सिस यहाँ पर मौजूद है। अब बेसिक बात समझने की यही है कि एक्सिस यहाँ पर हम किस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं मोशन में, तो उस हिसाब का डायमेंशन यहाँ पर बनता है। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ये एक डायमेंशन को शो करता है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर डायमेंशन का मतलब एक्सेस से है। तो अब डायमेंशंस कितने हो गए मोशन के, बेसिकली तीन डायमेंशंस होते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। तो एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि तीनों में क्या फ़र्क है। तो पहले हम देखते हैं वन डायमेंशनल मोशन के बारे में। लिख लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल मोशन। तो बेसिक सी बात है, जब किसी भी एक एक्सिस पर, वो चाहे एक्स हो या वाई हो या जेड हो, किसी भी एक एक्सिस के हिसाब से बॉडी जो है मूव करता है तो उसे वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। वो या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, दो डायमेंशंस में वो नहीं जाएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड मूव करेगा। ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इन ओनली वन कोऑर्डिनेट। तो वैसे ही जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो कोऑर्डिनेट में वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपना पोजीशन चेंज करता हुआ निकलता है। इट नीड्स ओनली ए स्ट्रेट लाइन टू मूव। अब चूंकि सिर्फ एक एक्सिस पे ही वो चलता है, वो या तो ऐसे एक्स एक्सिस पे या ऐसे वाई एक्सिस पे या ऐसे जेड एक्सिस पे, तो कोई भी एक एक्सिस पे चलने के कारण वो एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कन्वेयर बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखा हुआ सामान स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करते हुए जाता है, या कोई ट्रेन होती है जो अपने पटरी पर स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही होती है, या फिर ऐसा कार जो कि एक सीधे रोड पर चल रहा होता है विदाउट टर्निंग एनी वेयर। तो ये सब जो है एक स्ट्रेट लाइन में गति कर रहे होते हैं और सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं, इसीलिए इनको वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। अब देखते हैं टू डायमेंशनल मोशन के बारे में। When object is moving in two directions, then it is called as two-dimensional motion. तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि कोई भी चीज़ जब दो अलग अलग coordinates के हिसाब से आगे बढ़ती है तो उसे हम two-dimensional motion कहते हैं। ये जो है ये दो coordinates में अपना position change करता है। Object changes its position in टू कोऑर्डिनेट्स। तो अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि वन डायमेंशनल मोशन के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन टू डायमेंशनल मोशन के लिए हमें स्ट्रेट लाइन से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें चाहिए क्या, प्लेन सरफेस रहेगा तो ही ये जो है टू डायमेंशनल मोशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्लेन है, इसमें जो है ये एक प्लेन है, इसमें जो है ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से अगर हम इन दोनों एक्सिस को देखते हैं, ये एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, और ये अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ये टू डायमेंशनल मोशन हुआ, क्योंकि ये एक्स
कोऑर्डिनेट पे भी आगे बढ़ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट पे भी ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है और साइड की ओर जा रहा है। तो प्लेन जितने भी होते हैं सरफेसेस, उसमें ऐसे जो मूविंग होता है, मोशन होता है, उसे टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे कि प्लेन सरफेस पे आप देखते होंगे फुटबॉल मैच चल रहा है प्ले ग्राउंड में और उसका सरफेस प्लेन होता है, तो उस पे खिलाड़ी ऐसे ऐसे करके भागते हैं तो वो अपनी गति के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में मुड़ते हैं, लेकिन वो उस ग्राउंड के दो एक्सिसों के अंदर ही रहते हैं, वो ऊपर नहीं जाते या अंदर नहीं जाते, तो वो टू डायमेंशनल मोशन हो गया। तो कोई भी चीज़ जो कि प्लेन सरफेस पे मूव कर रही होती है उसे हम टू डायमेंशनल मोशन में लेते हैं। एक और एग्जांपल हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि दीवार के ऊपर हम लोग देखते हैं कई चीज़ें चलती है, जैसे कोई छिपकली चलती है तो ये भी टू डायमेंशनल मोशन के हिसाब से ही चलती है, ये मतलब आगे पीछे, या जब हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो वो भी ऐसे टू डायमेंशनल मोशन में ही चलती है, ब्लैक बोर्ड के अंदर या बाहर नहीं जाती चौक, तो उस हिसाब से टू डायमेंशनल मोशन को हम समझ सकते हैं। अब फाइनली थर्ड जो हमारा डायमेंशन है थ्री डायमेंशनल मोशन, उसके बारे में हम जानते हैं। सिमिलरली व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन थ्री डायरेक्शंस देन इट इज कॉल्ड एज थ्री डायमेंशनल मोशन। अब वन डायमेंशनल मोशन में एक ही डायरेक्शन में गई चीज़, टू डायमेंशनल मोशन में दो डायरेक्शंस में मूव हुई चीज़, वैसे ही जब चीज़ तीन डायमेंशंस में मूव होती है, तीन डायरेक्शंस में चलती है, तो उसको थ्री डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, आप प्लेन पर भी काम नहीं कर सकते, आप सिंगल लाइन पर भी काम नहीं कर सकते, स्ट्रेट लाइन से भी आपका काम नहीं होगा, या फिर आपका काम ऐसे प्लेन सरफेस से भी नहीं होगा। यहाँ पर हमको जो चीज़ ज़रूरत है वो है स्पेस की। तीनों इनर्शिया आप समझने की कोशिश कीजिए, एक के लिए सिर्फ स्ट्रेट लाइन काफ़ी है, एक के लिए हमको प्लेन चाहिए होता ही, अलग अलग टाइप के सरफेसेस हैं, स्ट्रेट लाइन सरफेस, फिर प्लेन सरफेस, अभी एक जो है ये है स्पेस। ओके, स्पेस सरफेस जो है इसमें तीनों डायमेंशंस होते हैं, तो ये जो है किसी भी तीन डायरेक्शंस में मूव हो सकता है, तीनों कोऑर्डिनेट्स पे हम इसकी मैपिंग कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल्स क्या हुआ, जैसे स्पेस माने खाली जगह हो गई, तो खाली जगह में जैसे एक प्लेन, एरोप्लेन या रॉकेट उड़ती है अपने ऐसे करके दो डायरेक्शन में जाके, फिर ऐसे जाके, फिर ऐसे जाके, किसी भी तीन डायरेक्शन में मूव होती है, तो तीनों डायमेंशंस हम लोग उसमें जो है उसमें ट्रेस कर सकते हैं, उसमें मैपिंग कर सकते हैं। तो ये थ्री डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल है। और जैसे कि कोई पक्षी होती है, बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, तो इसमें भी जो है तीनों डायमेंशंस में वो पक्षी मूव कर रही होती है, सिंगल लाइन सरफेस पे नहीं चल रही होती है, ऐसे अंदर भी जाती है, बाहर भी आती है, ऊपर भी जाती है, इस साइड उस साइड भी जाती है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और क्रॉस सेक्शनली ये मूव कर रही होती है। ऑब्जेक्ट्स जो है ये तीन अलग अलग डायमेंशंस में मूव करते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स में इसका मूवमेंट कॉपी किया जा सकता है और इसके लिए स्पेस की ज़रूरत होती है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि तीन डायमेंशंस क्या होते हैं और थ्री डायमेंशनल अलग अलग मोशंस कैसे होती है, एक वन डायमेंशनल मोशन, एक टू डायमेंशनल मोशन और एक थ्री डायमेंशनल मोशन। इससे जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे शायद आप लोगों को कुछ और ज़्यादा समझ में आए। जो हम लोग स्क्रीन पर टीवी देखते हैं या फिल्म देखते हैं सिल्वर स्क्रीन पर, वो टू डायमेंशनल होता है, तो यहाँ पर टू डायमेंशनल फिल्में हम आम तौर पर देखते हैं तो वो हमें साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन वीडियोग्राफी के ज़रिए कुछ फिल्में ऐसी भी तैयार की जा सकती हैं जो कि थ्री डायमेंशनल फिल्म्स हो। तो थ्री डायमेंशनल फिल्म्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा या कुछ लोगों ने देखा भी होगा। तो थ्री डायमेंशनल फिल्म्स में होता ये है कि जो स्क्रीन पर हम देखते हैं वो धुंधला दिखाई देता है, उसको हमको प्रोजेक्शन को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टाइप के 3D ग्लासेस पहनने पड़ते हैं या
फिल्म ऐसे हमारे आंखों के सामने एक पट्टी बांधी जाती है चश्मे के जैसी, उससे हम इजीली समझ सकते हैं कि थ्री डायमेंशनल कैसे होता है। वो पर्दों पे तो दो डायमेंशन में मूव करते ही हैं, साथ ही साथ उसका जो लाइटिंग स्पेक्ट्रम होता है वो हमारे चश्मे के साथ ऐसे सीधा सीधा रिएक्शन भी करता है, मतलब पर्दे के अंदर बाहर भी रिएक्शन करता है। तो 3D मूवीज इसलिए बहुत रेयरली बनती भी हैं, लेकिन चलती बहुत अच्छी है क्योंकि लगता है जैसे स्क्रीन से निकल के हमारे सामने ऑब्जेक्ट आ गया हो। तो ऐसे करके 3 dimensions हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, और 3 dimensions में 3 coordinates के साथ में यहाँ पर मैपिंग और उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग जो है 2 अलग-अलग टॉपिक्स को मिलाकर एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होगा क्वांटिटीज़ के बारे में। ये मेजरमेंट करने का एक टेक्निक होता है जिसको कि वेक्टर स्केल, वेक्टर मेजरमेंट और स्केलर मेजरमेंट कहा जाता है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।